धनतोरा टेपकांड मामले में एसआईटी से नोटिस जारी होने के बाद पूर्व विधायक मंसूराम पवार आज एसआईटी के ऑफिस पहुंचे थे। करीब एक घंटे की पूछताछ के बाद मंसूराम पवार ने एसआईटी की टीम को वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। एसआईटी की वैधता पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा है कि पिछले 6 महीने में ही कई एसआईटियों का गठन कर दिया गया है। मंसूराम पवार ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का भी आरोप लगाया। एसआईटी चीफ अभिषेक महेश्वरी ने बताया कि मंसूराम पवार ने कोर्ट का हवाला देते हुए वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। वॉइस सैंपल के लिए नियम है कि पहले जिसको वॉइस सैंपल के लिए बुलाया गया है उसकी सहमति लेना जरूरी है। यदि वो सैंपल देने से मना करता है तो कोर्ट से आदेश लेकर वॉइस सैंपल लिया जाता है। मंसूराम पवार जी को आज वॉइस सैंपल देने के लिए नोटिस जारी किया गया था, तो वो यहाँ पर उपस्थित है, किंतु उन्होंने अपने वॉइस सैंपल देने के लिए सहमति देने से मना कर दिया और कहा कि अभी मैंने एक पिटीशन लगाया हुआ है हाई कोर्ट में, जब तक उसका निराकरण नहीं होगा मैं वॉइस सैंपल नहीं दूंगा, या कहते हुए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान नहीं की। एफआईआर दर्ज हुआ था उस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर किया था और वहां से एक व्यवस्था माननीय न्यायालय के माध्यम से मिला था 21/2/2019 को। उसने एसआईटी को ऐसे कोई भी काम न करे, मेरे को या अन्य सदस्य को। और अधिक जानकारी से संबंधित जुड़ गए हैं सत्या राजपूत। सत्या, जिस तरह से एसआईटी ने बुलाया था कार्यालय, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग पहुंचे हैं उन्होंने गोलमोल जवाब दिए, तो क्या यहां पर मंसूराम पवार ने जो जवाब दिए हैं, एसआईटी ने सवाल किए हैं, क्या उससे वो संतुष्ट है? हालांकि वॉइस सैंपल उन्होंने देने से इनकार कर दिया। जी दीपक, आपको बता दें कि नियमता ये है कि अगर आप किसी का वॉइस सैंपल लेना चाहते हैं तो पहले उनकी सहमति होना चाहिए, लेकिन एसआईटी कहीं ना कहीं भूल हो गई है उनसे कि बिना सहमति से उनको बुलाया गया था। उन्होंने कोर्ट के हवाला देते हुए वॉइस सैंपल देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। सत्य, क्या कुछ सवाल एसआईटी ने किए हैं और क्या उनके जवाब, जैसे कि जो पिछली बार जो लोग आते रहे उन्होंने कहा है गोलमोल जवाब दिए, एसआईटी संतुष्ट नहीं थी, क्या यहां पर मंसूराम पवार ने जो जवाब दिए क्या उससे एसआईटी संतुष्ट है या दोबारा बुला सकती है उन्हें? जी ऐसे एसआईटी चीफ का कहना है कि इनको बुलाने के लिए इस बार कोर्ट का आदेश लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करना है, जो अंतागढ़ टेप कांड मामला सामने आया था उसके जांच के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्या।